नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक मध्य प्रदेश की सियासी हलचल पर आपको अपडेट दे दें। मध्य प्रदेश मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। वहीं बेंगलुरु में ठहरे बागी विधायकों ने कर्नाटक पुलिस को खत लिखकर सुरक्षा मांगी है। वहीं संसद में भी मध्य प्रदेश के संसद संकट की गूंज सुनाई दे रही है। दिग्विजय को हिरासत में लिए जाने को लेकर संसद में हंगामा हुआ। हंगामे के बाद राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल ये अपडेट। और अब देखिए 100 खबरें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस के विधायक 2 बसों में सवार होकर राजभवन जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कांग्रेस विधायकों को राजभवन भेजा जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में नया मोड़, दिलचस्प मोड़, क्योंकि अब कांग्रेस के विधायक राजभवन जा रहे हैं। आप देखिए पुलिस सुरक्षा में सभी विधायकों को अब राजभवन ले जाया जा रहा है। ये सभी विधायक एक बस में सवार होकर के राजभवन की तरफ निकले और तेजी से गाड़ियों का काफिला अब रफ्तार से भाग रहा है राजभवन की ओर। जिस तरीके से बेंगलुरु में आज पूरा घटनाक्रम हुआ, दिग्विजय सिंह समेत मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री और कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है वहां पे, क्योंकि वो सभी लोग मिलना चाहते थे बेंगलुरु में जो विधायक रह रहे हैं उनसे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और उसके बाद अब जो पूरा घटनाक्रम है वो बदला है। कांग्रेस नेताओं को बेंगलुरु में हिरासत लेने के बाद कांग्रेस नेताओं के अलावा विधायकों से भरी हुई 2-2 बस राजभवन की तरफ निकल गई है। पहली बस को आपने देखा है, एक दूसरी बस ये और है जिसमें तमाम विधायक मौजूद हैं और आगे और पीछे दोनों तरफ से पुलिस इन्हें एस्कॉर्ट करते हुए राजभवन की तरफ ले जा रही है, जहां पे ये राज्यपाल से मुलाकात कर जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उस पर अपना पक्ष रखेंगे और एक बार फिर से उनसे मांग करेंगे कि उन विधायकों को भोपाल लाया जाए जो फिलहाल बेंगलुरु में है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।